अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दुबारा लाइफ के सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा था ब्लॉग वगैरह बनाने की, क्योंकि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है लड़की। तो अभी ना बस मैं इसको फ्रेश कराने के लिए जा रही हूँ और फिर मैंने भी फ्रेश होना है। तो अभी बस सब लोग सोकर उठें और नाश्ता वगैरह किया है, तो यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। तो ये आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाश्ते में ना मैंने अंडा बनाया था और साथ में चाय, ये ब्रेड ले ली थी हम लोगों ने, तो ये कर लिया था नाश्ता। अब इसके बाद ना मैंने बोला चलो फ्रेश हो जाते हैं। तो ये हुरिया के कपड़े थे, मैंने बोला ये भी धो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है हुरिया की तबीयत, और मेरी तबीयत तो ठीक हो गई थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि बच्चों की जो तबीयत होती है वो सही होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बच्चे छोटे भी होते हैं, फिर उनकी दवाइयाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होती हैं कि जिससे बच्चे जल्दी रिकवर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर है। हुरिया इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई थी, इतना ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसकी तबीयत ठीक हो चुकी थी 2-3 दिन में, लेकिन चिड़चिड़ी इतनी ज़्यादा हो गई थी आई थिंक दवाइयाँ वगैरह पीने से। तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी, मुझे मेरा दिल ही नहीं हो रहा था इसी वजह से करने का। तो बस इसीलिए ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर रही थी। आप लोग भी सोच रहे क्या हो गया, कहाँ चले गए इतने दिनों से, तो बस यही वजह थी। कल ना हमारे घर में बना था ये कबाब का सालन, तो उसके साथ ना पराठे बना लिए थे मैंने दोपहर के टाइम। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की इतनी सारी शर्ट्स रखी हुई थी जो के धुल के आई थी, लेकिन ना इस्त्री नहीं हुई हुई थी। तो मैंने चलो इनमें इस्त्री कर लेती हूँ सारी शर्ट्स पे, क्योंकि इतने दिनों से मैं हुरिया में लगी हुई थी। लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैं एक हफ़्ते की ना एक साथ 4-5 शर्ट्स पे ना इस्त्री करके मैं रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं बिज़ी भी होती हूँ किसी दिन ना, तो पहले से शर्ट्स इस्त्री हुई भी होती हैं। अब हमारी मासी भी आ गई, तो उसने सफ़ाई वगैरह कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ाई वगैरह हो गई। फिर उसके बाद ना मैं अम्मी के घर पर आ गई और हुरिया देखें आप खेल रही है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी तो मोबाइल में वीडियोस वगैरह देख रही है और बस यहाँ पे खड़ी हुई है हुरिया, थोड़ा सा एंजॉय कर रही है अपनी आनी के साथ। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अटैच है वो अपनी आनी के साथ। और इसके बाद अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, तो बस थोड़ी बहुत ही बिरयानी खाई। ना मैं आई हुई हूँ अम्मी के घर पे, और कल वैसे वापस चली जाऊँगी, कल एक और काम है, मुझे कहीं जाना है। तो माशाल्लाह से हुरिया बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है अब हुरिया। और मुझे बहुत सुकून है कि चलो, वरना ना मेरी गोद में चढ़ी हुई थी, मुसलसल मेरी गोद में चढ़ी हुई थी और ना किसी और के पास जा ही नहीं रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं आजकल मैं इतने ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह देखती नहीं हूँ, वैसे कोई व्लॉग देखती हूँ। मैं जितने व्लॉग देख रही हूँ ना, तो सब अब यही बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं है, आजकल ये वायरल चला हुआ है। तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब भी किसी के बच्चे को देखें ना, कोई वीडियो वगैरह, असल में जब भी आप देखें किसी बच्चे को, तो ज़रूर माशाल्लाह कहा करें, माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। क्योंकि ये भी होता है कि नज़र लग जाती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हो सकता है हुरिया को नज़र लग गई हो। ये व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ मैं, अक्सर हुरिया व्लॉग्स में आती है। वैसे मैं कम ही हुरिया को लेती हूँ व्लॉग में, शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादातर बनाती हूँ मैं हुरिया की। ऐसे में ब्लॉग वगैरह में हुरिया को इतना लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि माशाल्लाह ज़रूर कहा करते। मेरी बच्ची को देख के, सबके बच्चों को देख के आप लोग माशाल्लाह ज़रूर। बच्चे जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, तो उनको फ़ौरन से नज़र लगती है, इतने मासूम होते हैं इस वजह से शायद। तो इस वजह से माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मुझे और हुरिया को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।